देवबंद के पते पर, वहां के एड्रेस पर बने जितने भी पासपोर्ट हैं उनकी फिर से जांच का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। कल ही आपको जी न्यूज ने खबर दिखाई थी कि वहां पर अब दोबारा से वेरिफिकेशन किया जाएगा। लोगों का ये कहना है कि जांच से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन देवबंद का नाम बदनाम किया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि देवबंद में विदेश से आए बहुत से स्टूडेंट्स भी रहते हैं और सभी को आतंकी मानना ठीक नहीं है। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश ने देवबंद के कुछ स्थानीय लोगों से सरकार के इस फैसले पर बातचीत की है। सबसे पहले उस कहानी में जाना जरूरी है, उस बात को समझना जरूरी है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये क्यों तय किया कि खास तौर पे सहारनपुर जिले के जो कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें देवबंद भी आता है, वहां के लोगों के जो पासपोर्ट बने हैं उसकी दोबारा जांच क्यों की जानी चाहिए। उस पूरी कहानी के पीछे का फ्लैशबैक ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास दो दस्तावेज हैं। इस दस्तावेज में जहीर खान नाम के एक आदमी का पासपोर्ट वेरिफिकेशन फॉर्म है। जहीर खान का पासपोर्ट इसी देवबंद के पठानपुरा इलाके के एड्रेस पर बना। इस पासपोर्ट के लिए जब अप्लाई किया गया तो उसके साथ जो पहचान पत्र लगाया जहीर खान ने, उस वो जो आधार कार्ड जहीर खान ने लगाया वो भी फर्जी था, यानी कि वो भी गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया था इस फॉर्म को बनाने के लिए। इन तमाम दस्तावेज़ों के आधार पर, इन तमाम दस्तावेज़ों को इस फॉर्म के साथ संलग्न करते हुए, लगाते हुए पुलिस ने भी वेरीफाई किया, पासपोर्ट बन भी गया और जहीर खान यहाँ से सऊदी अरब चले भी गए। बाद में जब जांच हुई, संदेह के घेरे में जब ये शख्स आए और जब इनके बारे में पता किया गया और पुलिस ने दोबारा जब इनकी जाँच की तो पता चला कि ये एक बांग्लादेशी थे। इन जैसे कुछ लोगों की वजह से इस इलाके में जो हालात हो गए हैं और अखबारों में हेडलाइन आती है, तमाम खबरें ये चल रही हैं कि भाई देवबंद इलाके में रहने वाले लोगों के पासपोर्ट जिनके भी बने हैं उनकी दोबारा जांच होगी, क्या मानते हैं आपको? एक आदमी की वजह से पूरा इलाका बदनाम हो रहा है? नहीं, जांच हो उसमें कोई दो राय नहीं है, जांच हो जाए कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एक आदमी की वजह से पूरी बस्ती के लोगों को दहशत ज़दा करना ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। एक आदमी ने गलती की, वो जाने, उसकी वजह से पूरे इलाके के लोगों को दहशत में मुब्तला कर देना या उनको किसी और तरीके से परेशान करना ये ठीक बात नहीं है। आपको लगता है कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो यहाँ बाहर से आके रहते हैं, बाहर मुल्कों से आके रहते हैं, उनकी वजह से ही पूरा ये इलाका बदनाम हो रहा है? ये मैंने आपको बताया ना कि दारुल उलूम की वजह से यहाँ बहुत लोग बाहर से आके पढ़ते हैं, यहाँ बहुत लोग आके पढ़ते हैं, सारे दहशतगर्द थोड़े ही हैं, उनमें से कोई एक आध हो सकता है, तो एक आध की वजह से पूरे देवबंद बाहर आने वाले लोगों को मशकूक समझ लेना ये तो इंसाफ वाली बात नहीं है, इंसाफ वाली बात नहीं है, ये तो टेररिज्म फैलाने वाली बात है, ताकि लोग डरें और पैसा भी खर्च करें। एक नज़रिया मैं आपका भी चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं। आप परिवार के साथ यहाँ रहते हैं, सालों से यहाँ रहते हैं, पासपोर्ट आपका भी बना होगा, परिवार में कई सारे लोगों का बना होगा, लेकिन अब उसी पासपोर्ट को जिसको आपने बिल्कुल एक नियम कानून के तहत बनवाया, उसका वेरिफिकेशन हुई और उसके बाद उस पासपोर्ट को बनाया गया, अब उसकी दोबारा जांच हो रही है। अब ये मानते हैं इसमें सरकार सबसे ज़्यादा गलत काम कर रही है, सरकार बिल्कुल एकदम गलत विचारधारा से ये करती है कि मुझे ये बताइए कि जिस व्यक्ति का पासपोर्ट बना, जो बांग्लादेशी आया, देवन की कोई सीमा बांग्लादेश से नहीं मिली, वो बांग्लादेश में से एंट्री हिंदुस्तान में की और देवन में आ गया, जिस अधिकारी ने वो पासपोर्ट बनाया है, जिन्होंने जांच की है पुलिस ने, उनके खिलाफ कार्रवाई, पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी तो दोनों बराबर गए हैं, बनवाने वाला भी और बनाने वाला भी, और देवन पे बार बार शक किया जाता है, देवन को तो बदनाम करने की कोशिश है, सरकार की मानसिकता सही नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं आपके चंद कदम दूर मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का मकान है, जिन्होंने तहरीक आज़ादी की रेशमी रुमाल की शक्ल में लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान की आज़ादी में देवन का अहम रोल रहा है, देवन ने कभी हिंदुस्तान के आयन के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की है, देवन तो ये कहता है कि हिंदुस्तान से मोहब्बत ईमान की निशानी है, हमें तो ये तालीम दी जाती है, और बार बार हमें शक करना ये बिल्कुल बहुत गलत है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि आतंकवाद के देवन से ज़्यादा खिलाफ कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो देवन के उलमा बोलते हैं, क्योंकि किसी कीमत पर भी आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा,